प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। सबों को एक बार नमस्कार। आज क्यूब के चौथे टाइप को हम लोग देखने वाले हैं। चौथे टाइप का मतलब आप अभी से पहले जो भी टाइप था उसमें सभी सतहों को कलर किया जा रहा था, सारे सरफेस कलर हो रहे थे। इस बार की टॉपिक क्या है, अगर किसी सतह को सादा छोड़ दिया जाए, पेंट नहीं किया जाए, तो फिर पूछा गया सवाल कैसे बनाया जाएगा, इस पर विचार करेंगे हम लोग। थोड़ा इस पिक्चर को देखिए, आपको घन के एक हिस्से को दिखा रहे हैं, एक आप समझ गए होंगे इस प्रश्न में कटान आपका तीन है। सोचिए अगर कटान तीन है तो पहली प्रक्रिया जो एक जोड़ कर आप किया करते थे, चार का क्यूब 64, ये कुल घन के लिए करते थे, कुल घनों की संख्या 64 होती थी। और दूसरी प्रोसेस क्या करते थे, इसमें से माइनस एक करते थे, दो आ जाता था, इसको हम लोग कहते थे एम से। और फिर तीन सतह रंगीन घन का मतलब सीआरसी। अगर ये टर्म समझ में ना आता हो तो क्यूब वन, क्यूब टू और क्यूब थ्री के वीडियो को अवश्य देख लीजिए, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। सीआरसी की संख्या याद कीजिए फिक्स होती थी और इसकी संख्या 8 होती थी। टीएमसी बराबर होता था एमसी इंटू 12 और यहाँ पर आप जवाब देते थे 12 गुना 2 बराबर 24। टीसीसी बराबर एमसी स्क्वायर गुना 6, 2 का स्क्वायर 4 गुना 6, फिर से जवाब 24 था। और टीआईसी जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होती है उसका फॉर्मूला था एमसी क्यूब और ये था 2 का क्यूब बराबर 8। इस प्रकार हम तब जवाब दिया करते थे जब सारी सतहें रंगीन हुआ करती थी। तो आज एक सतह सादी कर दी गई है, सपोज घन की यही ये सतह सादी छोड़ दी गई। ध्यान से याद करेंगे, कुछ परिचय दिया गया था आपको कि सीआरसी की पोजीशन कोने पर होती है, सीआरसी कॉर्नर पर बनता है, आपको पता होगा। और कोनों की संख्या 8 होती है, ये भी पहले से पता है। टीएमसी की क्या पोजीशन थी, टीएमसी की पोजीशन थी भुजा पर और भुजाओं की संख्या 12 होती है। और टीसीसी कहाँ बनता था, मध्य में, सेंटर में, जिसको केंद्रीय घन कहते थे, यानी सीधी बात ये सतह पर बनता था और सतहों की संख्या 6 होती है। उसके बाद बात में करेंगे हम लोग टीआईसी की, टीआईसी जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होती। अब सोचिए एमसी आपका 2 था और 2 में 12 से गुना क्यों किया गया था, आपको पता है टीएमसी भुजा पर बनती है और हर एक भुजा पर बनती है इसलिए 12 से गुना करते हैं। टीसीसी में 6 से गुना करने का क्या कारण था, क्योंकि हर एक सतहों पर बनती है और सतहों की संख्या 6 थी इसलिए 6 से हम लोग गुना करते थे। अब यहां से आपको सीखना क्या है कि सीआरसी जिसकी तीन सतह रंगीन होती है, याद होगा सीआरसी तभी रंगों के आधार पर सीआरसी आप तभी कहेंगे जब उसकी तीन सतह रंगीन होगी, टीएमसी आप तभी कहेंगे जब उसकी दो सतहें रंगीन होगी, टीसीसी तभी कहेंगे जब उसकी एक सतह रंगीन होगी, ये तो फिक्स था। लेकिन सादा छोड़ने से कुछ ना कुछ तो रंगों का प्रभाव पड़ेगा, रंगों का इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इसको ऐसे देखिए, इस सतह के सादा छोड़ देने से कितने कोने डिस्टर्ब हो जाते हैं, कितने कोनों पर इम्पैक्ट पड़ता है, पहले यही सीखिए। आप कहेंगे 4 कोनों पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये इम्पैक्ट कैसा, प्रभाव कैसा, वास्तव में सीआरसी कॉर्नर क्यूब जो बनता था उसकी तीन सतहें रंगीन होती थी, जिसकी तीन सतह रंगीन होती थी उसको आप सीआरसी कहते थे। यानी इस कोने पर बना घन या इस कोने पर बना घन या इस कोने पर या फिर इस कोने पर और पीछे के चार कोने पर, आठों कॉर्नर पर सीआरसी बनता था और सीआरसी की संख्या इसलिए आप 8 कहते भी थे क्योंकि 8 के 8 कोने पर तीनों सतहें रंगीन होती थीं। अब जरा सोचिए इसके सादा छोड़ देने से क्या इसकी तीन सतह रंगीन रह जाएगी या इसकी, इसकी और इसकी,
इन चारों घनों की तीन सतहें जो रंगीन हुआ करती थीं, वो तीन सतह ना होकर दो सतह हो जाएगी। यानी वो भले कॉर्नर पर है इसलिए सीआरसी, लेकिन उसकी दो सतहें रंगीन हैं। वो सीआरसी कोने पर है इसलिए, लेकिन उसकी दो सतहें रंगीन हैं। वो टीएमसी के तरह ट्रीटमेंट करेगा। टीएमसी की कितनी सतह रंगीन? दो। और यहाँ पर बनने वाला घन, यहाँ पर बनने वाला घन एक, एक इधर वाला, एक इधर वाला, इसकी तीन सतहें रंगीन होती थी। इसके सादा होने से इसकी कितनी सतहें रंगीन हो गई? दो। यानी कोने पर बना है लेकिन उसकी दो ही सतहें रंगीन हैं, इसलिए यह सीआरसी होते हुए भी टीएमसी के तरह ट्रीट करेगा रंगों के आधार पर। अब सोचिए, जरा इस पर सोचेंगे आप, ये कौन सा घन था? एमसी, टीएमसी जिसको कहते हैं, इसकी दो सतहें रंगीन होती थी और इसके सादा छोड़ देने से इसकी एक ही सतह रंगीन हो गई। यानी यहाँ जो टीएमसी आप देख रहे हैं, यहाँ जहाँ जहाँ उंगली चल रही है, ये सारा टीएमसी था क्योंकि इसकी दो सतहें रंगीन थी और एक सतह के सादा छोड़ने से ये टीएमसी ना होकर टीसीसी के तरह ट्रीटमेंट करेगा क्योंकि इसकी एक ही सतह रंगीन रह जाएगी और टीसीसी की एक सतह रंगीन होती है। अब सोचिए जरा, जो टीसीसी था, इन चारों को देखिए, इन चारों को, ये टीसीसी था। क्यों था टीसीसी? क्योंकि इसकी एक सतह रंगीन थी। अब इसकी कितनी सतह रंगीन होगी? ये एक ही सतह रंगीन थी, वो भी अब सादी छोड़ दी गई। इसका मतलब ये टीसीसी टीआईसी की तरह इंपैक्ट करेगा, टीसीसी टीआईसी की तरह ट्रीटमेंट करेगा। आप समझ रहे होंगे, सीआरसी अगर इनवैलिड हो जाए तो वो टीएमसी की तरह, टीएमसी इनवैलिड हो जाए तो टीसीसी की तरह, और टीसीसी इनवैलिड हो जाए तो टीआईसी की तरह ट्रीटमेंट करने लगता है। ये बात याद रखना, तीन सतह वाला अगर डिस्टर्ब हुआ तो दो सतह जैसा दिखता है, दो सतह डिस्टर्ब होगा तो एक सतह जैसा, और एक सतह होगा तो शून्य सतह की तरह ट्रीटमेंट करेगा। इस पर ज्यादा गंभीर चर्चा करनी है, फिर बाद में हम लोग प्रश्नों पर आएंगे। इस चित्र को रहने दीजिए और बारी बारी से देखिए। ये जो जवाब हम लोग दे रहे थे, सीआरसी 8, टीएमसी 24, टीसीसी 24 और टीआईसी 8, कब? जब सारी सतहें रंगीन होंगी तब ना, तब दे रहे थे। यहाँ तो एक सतह सादी है। अच्छा एक बात बताइए, क्या क्या होता है? आप कहेंगे एक घन में कॉर्नर तो होता है, कॉर्नर 8 होता है, एक भुजा होती है, 12 भुजाओं की संख्या होती है, एक होती है उनमें से सतह जिसकी संख्या होती है 6। 8 पर क्या बनता है? 8 पर आप कहेंगे सीआरसी बनता है, 12 पर क्या बनता है? टीएमसी बनता है, और 6 पर क्या बनता है? टीसीसी, और टीआईसी तो मिडल में बनता है। आठों कोने पर सीआरसी बनना है, एक सतह के सादा छोड़ने से 8 में से कितने कोने डिस्टर्ब हो जाते हैं? 4 कोने डिस्टर्ब हो गए। इसको सीखिएगा, भुजाओं पर बनना था टीएमसी को, 12 की 12 भुजाओं पर, इसके सादा छोड़ने से 1, 2, 3, 4 भुजाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं, और सतह, कुल सतहें कितनी? 6 की 6 रंगीन होनी चाहिए। एक ने एक को उसने सादा कर दिया, यानी इस पर भी एक का इंपैक्ट पड़ गया। सोचिए 8 में जब 4 का इंपैक्ट पड़ेगा तो शेष बचेंगे 4, 12 में जब 4 पर इंपैक्ट पड़ेगा तो शेष बचेगा 8, और 6 में एक इंपैक्ट पड़ेगा तो बचेगा 5। फाइनली बनना इस पर है, पहली बात, एक सतह के सादा छोड़ने से कोने पर कितना प्रभाव पड़ेगा, भुजाओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा, और सतहों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। एक सतह सादी, एक सतह किन किन से जुड़ी हुई? भाई एक सतह अगर सादी होगी तो 4 कोने को डिस्टर्ब करेगा, 4 भुजाओं को डिस्टर्ब करेगा, और एक सतह को डिस्टर्ब करेगा। वही बात अगर दो सतहें होती तो 8-8 भुजाओं को वो डिस्टर्ब कर देगी। खैर अभी एक ही सतह की बात हम लोग करेंगे। फिर से एक बार इसको दोहराते हुए पूरी व्याख्या देखेंगे। क्या क्या देखे अभी तक हम लोग? हम लोग देखे कॉर्नर, यहां पर ध्यान से देखिए, कोने होते हैं 8, आठों पर, आठों कोने पर सीआरसी को बनना चाहिए था। अब देखना है कितने पर बनेगा इसको ऐसे, और कितने पर नहीं बनेगा। आप कहेंगे बनना चाहिए था 8 कोने पर, लेकिन 4 कोना डिस्टर्ब हो गया तो 4 पर बनेगा और 4 पर नहीं बनेगा। अब आइए दूसरी बात, भुजा, भुजाएं होती कितनी?
बारह भुजाओं पर बनता क्या है? टीएम से बारह की बारह भुजाओं पर बनता है वो। एक सतह के सादा छोड़ देने से कितनी भुजाएं डिस्टर्ब हो गई? चार। चार भुजाएं डिस्टर्ब हैं तो बनेंगी कितनी पर? मात्र आठ पर। अब आइए सतह, एक सतह है जो सतह पर कौन सा घन बनता है? टीसीसी। छह की छह सतहों पर बनना चाहिए, एक सतह डिस्टर्ब होने पर एक पर नहीं बनेगा और पांच पर बनेगा, ये पहले समझना है। अब जरा इस पर ध्यान से देखिए, MC गुना 12 का कारण समझिए। MC गुना 12 का, एक भुजा पर जितना MC बनता है उसको 12 से क्यों गुना करते हैं? क्योंकि 12 की 12 भुजाओं पर बनता है वो, 12 की 12 भुजाओं पर बनता है, और एक भुजा पर इतना बनता है तभी तो आप 12 से गुना करते हैं, इसलिए MC गुना 12 होता है। यानी एक भुजा पर बने MC की संख्या में 12 से गुना करते हैं। ये MC स्क्वायर क्या है? TCC का मतलब हर एक सतह पर बने हुए घन का 6 गुना। अब देखिए इस सतह पर कितना था? 4, और फिर 4 में आप से 6 से गुना करके 24 करते हैं, ये 4 कहां से आया? ये MC स्क्वायर क्या है? MC स्क्वायर के ही जगह पर आप 2 का स्क्वायर करते हैं, इसको जरा से देखिए, 2 का स्क्वायर करते हैं देन 6 करते हैं तब 24 आता है, ये MC स्क्वायर क्या है? एक सतह पर बना सीसी है तभी तो 6 से गुना करते हैं। एक सतह पर जितना सीसी बनेगा उसको 6 से गुना करेंगे तो 6 सतहों पर बना सीसी निकल जाएगा हमारा। 6 से गुना करने का कारण जानिए क्यों? आप कहेंगे सर 6 सतहों पर बनता है तभी तो 6 से गुना करेंगे, तो आप समझ रहे होंगे जब 5 सतहों पर बनेगा तो 5 से गुना करेंगे। यहां पर आप 12 से क्यों गुना करते थे टीएमसी को? क्योंकि 12 की 12 भुजाओं पर बनता था, यहां पर कितनी भुजाओं पर बन रहा है? 8 पर, सॉरी 8 पर, तो 8 से गुना करेंगे। फार्मूला तो ऐसे डिराइव करेंगे आप। जरा इसको एक बार और देखिएगा एक खास रचना के द्वारा। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कटान 3 एमसी 2 याद रखना है आपको, कटान 3 एमसी 2। अब चित्र बनाने की जरूरत होती नहीं है, इसमें आपका फॉर्मूला वही है, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा देखिएगा। कटान 3 है, कटान 3, इसी को बारीकी से देखना, वो सारी बातें किताबी थी, अब जो चलेगा ना वो हम लोगों की अपनी चीज होगी। कटान 3 है तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या 64 हो जाएगी, और MC तो निकालना पड़ेगा आपको, MC की संख्या 2 होगी कटान में से 1 घटाकर। आप ध्यान से याद कीजिए, आपकी 5 सतहें रंगीन हैं इस प्रश्न में, इस टाइप में, लेकिन एक सतह सादी है, एक सतह को रंगा नहीं गया, यूं ही छोड़ दिया गया है, शर्त आपकी है। अब सोचिए सबसे पहला वो क्या पूछता है? सीआरसी। देखिएगा सीआरसी कैसे जवाब देंगे हम। सीआरसी का मतलब जिसकी कितनी सतहें रंगीन, सोचिएगा जरा इसकी कितनी सतहें रंगीन, तो आप कहेंगे 3 सतह रंगीन, ठीक है। ये बनता कहां पर है? ये कहां बनेगा? आप कहेंगे कोने पर बनेगा, ये इसकी सतहें 3 रंगीन होती हैं, ये कोने पर बनता है, 8 के 8 कोने पर बनता है। लेकिन एक सतह सादी छोड़ने से, जरा ध्यान दीजिए, कटान 3 रखे हैं आप, एक सतह सादी छोड़ने की वजह से 4 कोने डिस्टर्ब हो गए, 4 कोने डिस्टर्ब हो गए, यानी आप कहेंगे, इसको लिखेंगे वैलिड, कितने कोने पर वैलिड होगा? 4 पर, तो इनवैलिड कितना हो जाएगा? सोचिए 8 कोने पर बनना था, 4 कोना वैलिड हो गया तो 4 तो इनवैलिड हो गया। सोचिए 4 कोने पर कितना बनेगा? स्वाभाविक है 4 बनेगा, और उस 4 पर कितना? वो भी तो 4 ही बनेगा। यानी 8 में से 4 घन ऐसे होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन होगी, और 4 ऐसे घन होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन ना होकर 2 सतह रंगीन हो जाए।
और वो टीएमसी के तरह ट्रीटमेंट करने लगेगा। यानी यहाँ पर आपका जवाब आया वैलिड सीआरसी 4 और इनवैलिड सीआरसी भी 4। आपको प्रश्न, आपका प्रश्न है ऐसे कितने घन जिसकी 3 सतह रंगीन, तो आप क्या जवाब दे देंगे? 4। जरा अब सीखिए टीएमसी कैसे निकलेगा। इसमें टीएमसी निकालने के लिए सीखना है टीएमसी की कितनी सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, ये वाली बात। ये बनता कहां पर है? भुजा पर बनेगा। भुजाओं की संख्या कितनी? 12। अब ये बताइए आप कितनी भुजाओं पर वैलिड होगा और कितनी भुजाओं पर इनवैलिड होगा। जब एक सतह सादी होती है तो 4 भुजाएं डिस्टर्ब होती हैं, यानी 4 भुजाओं पर इनवैलिड हो जाएगा और वैलिड हो जाएगा 8 भुजाओं पर। कटान कितना था? 3। टीएमसी का के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? यहाँ लिख रहे हैं हम लोग टीएमसी के लिए एमसी गुना 12 का प्रयोग करते थे, यानी एक भुजा पर बना एमसी में 12 से गुना करते थे। यहाँ कितने भुजाओं पर बन रहा है? 8 भुजाओं पर। 12 भुजाओं पर बनता था तो एमसी को 12 से गुना करते थे। सोचिए वैलिड कितना होगा? 8 ही भुजाओं पर वैलिड होगा, यानी 8 × 2 आपका वैलिड टीएमसी हो जाएगा। 8 × 2 = 16। लेकिन 4 भुजाएं तो अभी भी हैं। ये जो आपका टीएमसी बन रहा है इन भुजाओं पर, इसकी 2 सतहें रंगीन होनी थी, इसके सादा होने से इसकी एक ही सतह रंगीन रह गई। ये ट्रीटमेंट कैसा देगा? टीसीसी के तरह। सोचिए 3 सतह रंगीन घन अगर इनवैलिड करेगा तो 2 सतह जैसा दिखेगा, 2 सतह अगर इनवैलिड होगा तो 1 सतह जैसा दिखेगा, और 1 सतह इनवैलिड होगा तो 0 सतह हो जाएगा। सोचिए तो वैलिड कितना किया? 16। इनवैलिड कितना करेगा? तो 4 × 2 = 8। ये कर गया इनवैलिड। क्या जवाब ये दे देंगे? नहीं, ये तो वैलिड टीएमसी है, और जो इनवैलिड सीआरसी हो गया था आपका, इनवैलिड सीआरसी का मतलब क्या हुआ? 3 सतह रंगीन होनी चाहिए थी, 1 सतह सादी हो गई तो बची कितनी? 2। तो वो इसमें जुट जाएगा ना। यानी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैलिड जब आप देने के लिए सीखिएगा, वैलिड टीएमसी का मतलब हो जाएगा वैलिड टीएमसी। तो क्या क्या इसका फॉर्मूला लिख लेंगे आप? वैलिड टीएमसी प्लस इनवैलिड सीआरसी। वैलिड टीएमसी कितना आया था? 16। इनवैलिड सीआरसी कितना हुआ था? 8। यानी जवाब कितना हो जाएगा? 24। जरा इस दोनों जवाब को तैयार रखेंगे। कुल मिलाकर 64 घने हिसाब देना है आपको, जिसमें से सीआरसी आपका 4 आया है और टीएमसी अभी तक आया है आपको 24। 16, 8 नहीं जोड़ना था, 8 नहीं जोड़ना था, 4 जोड़ना था, यहाँ 4 जोड़ना था, 20 इनवैलिड सीआरसी जोड़ना था 4। बोर्ड भर गया है, इसको एक बार मिटाते हैं फिर से। कटान याद रखेंगे आप, कटान 3 है और एमसी की संख्या 2 है, उसी एमसी पर क्वेश्चन आपको बनाना है। एमसी बराबर 2। अब उसकी फिर से पुनरावृत्ति कीजिए। पहला था सीआरसी निकालना, एक सतह अगर डिस्टर्ब होता है तो 4 कोने डिस्टर्ब होते हैं, तो कितना वैलिड और कितना इनवैलिड। वैलिड कितना? 4 कोने वैलिड और 4 कोने इनवैलिड। 4 कोने पर कितना सीआरसी बनता है? 4। और 4 कोने पर इनवैलिड कितना होगा? वो भी 4। ये जो 4 इनवैलिड हो गया, ये ट्रीटमेंट कैसा करेगा आपका? टीएमसी के तरह। तो सीआरसी की संख्या आपकी कितनी हो गई? 4। यानी 3 सतह रंगीन घन की संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 सतह रंगीन घन बताइए, और 1 सतह सादी होने से 4 भुजाएं डिस्टर्ब हो गई, यानी 4 भुजाओं पर इनवैलिड कर जाएगा और 8 भुजाओं पर वो वैलिड कर जाएगा। एक भुजा पर एमसी कितना? 2। तो 8 भुजाओं पर एमसी कितना हो जाएगा? 16। एक भुजा पर एमसी 2, तो 4 भुजाओं पर कितना? 8।
ये क्या हो गया, ये तो वैलिड कर गया आपका, ये इनवैलिड हो गया, लेकिन ये इनवैलिड ट्रीटमेंट कैसा करेगा टीसीसी के तरह, क्यों? क्योंकि ये ऐसा घन है जिसकी दो सतह रंगीन होनी चाहिए थी, ये दोनों, इसके सादा होने से या एक ही सतह रंगीन हुई, जिसकी वजह से ये जो इनवैलिड टीएमसी है वो टीसीसी के तरह ट्रीटमेंट करेगा। अब बताइए फाइनली टीएमसी का फॉर्मूला क्या होगा जब एक सतह सादी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा वैलिड टीएमसी प्लस इनवैलिड सीआरसी। वैलिड टीएमसी कितना है 16 प्लस इनवैलिड सीआरसी कितना है 4, यानी जवाब हो गया 20। ऐसे घन जिसकी दो ही सतह रंगीन है वो हो जाएगी 20। इसमें से 8 बचा है जो ट्रीटमेंट करेगा टीसीसी के तरह, सोचिए तीसरा जवाब है आपका टीसीसी का। टीसीसी कहाँ पर बनेगा आपसे पूछेगा कोई, तो भुजा पर, 6 की 6 भुजाओं पर, और इसके सादा होने से एक भुजा डिस्टर्ब हो गई, यानी एक भुजा पर इनवैलिड और 5 भुजा पर वैलिड। क्या था टीसीसी का वास्तविक फॉर्मूला? टीसीसी का वास्तविक फॉर्मूला था एमसी स्क्वायर गुना 6 से गुना करते थे, यानी एक सतह पर इतना सीसी बनता है एक सतह पर, जब 6 सतहों की बात थी तो 6 एमसी स्क्वायर में 6 से गुना किए, जब 5 सतहों की बात होगी तो 5 में एमसी स्क्वायर से गुना करेंगे, 5 गुना एमसी स्क्वायर वैलिड और 1 गुना एमसी स्क्वायर बराबर इनवैलिड। एमसी स्क्वायर बराबर कितना 4, यानी 5 × 4 बराबर 20, ये 20 हो गया वैलिड टीसीसी। तो इनवैलिड कितना, इनवैलिड 1 गुना एमसी स्क्वायर यानी 1 गुना 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4। अब सोचिए ये 4 जो है वो ट्रीटमेंट कैसा करेगा, ये 4 सतहें टीसीसी थी, ये सादी हो गई तो इसकी एक भी सतह सादी नहीं रही, एक भी सतह रंगीन नहीं रही, यानी ये टीएसी के तरह ट्रीटमेंट करने लगेगा, जोड़ेंगे बाद में। अब बताइए आपका अब क्या फॉर्मूला होगा टीसीसी के लिए, अब टीसीसी के लिए क्या फॉर्मूला होगा जब एक सतह सादी होगी, तो आप कहेंगे ये तो ठीक है वैलिड टीसीसी, ये जो आया है इसकी तो एक सतह रंगीन है, और इसमें इनवैलिड टीएमसी प्लस इनवैलिड टीएमसी, तो वैलिड टीसीसी कितना आया था 20 और इनवैलिड टीएमसी 8 जो ट्रीटमेंट करेगा टीसीसी के तरह, और जवाब हो जाएगा आपका 28। एक सतह रंगीन घन 28, दो सतह रंगीन घन 20 और तीन सतह रंगीन घनों की संख्या 4, कितने हो गए 48 × 4 = 52। और भी घन बचे हुए हैं अभी, अब कहाँ दिखा जाए, अब बारी आती है टीआईसी की, ये लिखा हो तभी आप देख भी पाएंगे, आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग टीआईसी की बात करते हैं, भाई टीआईसी तो एमसीक्यूब था ही पहले से, और इसमें जितने भी घन नहीं रंगे गए थे उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा इसमें बढ़ जाएगा, तो सोचिए इसका क्या हो जाएगा, एमसीक्यूब में क्या जोड़ देंगे आप, स्वाभाविक है इनवैलिड टीसीसी जोड़ देंगे। एमसीक्यूब का मतलब कितना, 2 का क्यूब यानी 8, और इनवैलिड टीसीसी कितनी थी, टीसीसी इनवैलिड 4 कर गया था, प्लस 4 यानी 8 + 4 = 12। अब सबको जोड़कर देखना है कि आपकी संख्या 64 होती है या नहीं, इसमें सीआरसी की संख्या कितनी दे दी थे आप 4, टीएमसी की फाइनल टीएमसी की संख्या कितनी आई थी 20, फाइनल टीसीसी का जवाब क्या आया था, फाइनल टीसीसी 28, और ये टीआईसी फाइनल आपका जवाब आ गया था 12, जोड़ कर देखिए 64 है। इसी प्रकार आपको जब वैलिड इनवैलिड की बात है, जब शादी छोड़ दी जाए तो बनाना है, इस पर जरा मंथन करेंगे, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन इसको फॉर्मूले के ही बेस पर बनाएंगे। इसमें बुनियादी बात क्या सीखे आप, सीआरसी इनवैलिड करेगा तो टीएमसी बन जाएगा, वो टीएमसी इनवैलिड होगा टीसीसी बन जाएगा,
और TCC इनवैलिड होगा तो TIC बन जाएगा, बस यही बात है। और कितनी कितना TMC कितना CRC या कितना TCC इनवैलिड होता है ये डिपेंड करता है कितनी सतहें सादी छोड़ी गई। सोचिए एक सतह अगर सादी छोड़ी जाती है तो वो चार कोने को डिस्टर्ब करता है, चार भुजाओं को डिस्टर्ब करता है और एक सतह को डिस्टर्ब कर देता है, यानी इनवैलिड कर देता है वहां पर। यही अगर दो सतहें सादी हो जाएं ऊपर और नीचे वाली तो ये आठों कोने को डिस्टर्ब कर देगा, आठ भुजाओं को डिस्टर्ब कर देगा, दो सतहों को डिस्टर्ब कर देगा। और आपको पता चल गया है कि MC² में 6 से क्यों गुना करते हैं, 6 सतहों पर बनेगा तो 6 से गुना करेंगे, स्वाभाविक है। 5 सतहों पर अगर वैलिड होगा तो 5 से करेंगे, 4 सतहों पर वैलिड करेगा TCC तो 4 से गुना करेंगे। वो डिपेंड करता है कितनी सतहें सादी हैं। आइए एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, और उस प्रश्न को देखकर बनाने की कोशिश करते हैं। जब एक सतह सादी हो जाती है, आपका प्रश्न टेलीग्राम में PDF में डाला गया था, उसी प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े को कि 5 सतहों को नीले रंग से रंगा गया, वही बात है, उसकी 5 सतहें रंगीन हो गई। और कह रहा है एक सतह को सादी छोड़ दिया गया है, सादी है, रंगीन नहीं है, वो नीले रंग से रंगा गया है, सात सात बार काटा गया, सात सात बार काटा गया, इसका मतलब ही हुआ कटान सात। उसने स्पष्ट कह दिया सात सात बार काटे हैं मतलब कटान सात, यानी एक जोड़ेंगे तो 8 का क्यूब बराबर कुल घनों की संख्या 512, और यहां से MC निकल आएगा हमारा 6। कॉर्नर कितना डिस्टर्ब होगा भाई, एक सतह सादी होने से कोना 4 डिस्टर्ब होगा, भुजा कितना डिस्टर्ब होगा, भुजा भी तो 4 डिस्टर्ब होगी, सतह कितना होगा डिस्टर्ब, सतह होगा 1, कोने पर क्या बनता CRC, भुजा पर क्या बनता है TMC, दो सतह रंगीन वाला, और सतह पर क्या बनता है CC और यहाँ MC। बस ये बात याद रखनी है, प्रश्न आसानी से बन जाएगा। सारा कुछ निकाल लेते हैं फिर देखते हैं प्रश्न ने पूछा क्या क्या। सबसे पहला क्या पूछेगा, CRC, तीन सतह रंगीन, कितने कोने पर बनना है, 4 ही कोने पर बनना है, तो यहां लिख लीजिए वैलिड और यहां लिख लीजिए इनवैलिड। 8 कोने पर 8 बनता है तो 4 कोने पर 4 वैलिड हो जाएगा और 4 इनवैलिड हो जाएगा। ये इनवैलिड CRC ट्रीटमेंट कैसा करेगा, TMC के तरह। इसलिए अगर तीन सतह रंगीन घन पूछेगा तो क्या जवाब दे देंगे हम लोग, 4 लिखते जाइए, क्योंकि जोड़कर 512 भी करना है आपको। CRC की संख्या हो गई 4, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या हो गई 4। बारी आ गई TMC की, TMC में कितनी भुजाएं डिस्टर्ब हुई, TMC बनता कहाँ पर, भुजा पर, 12 की 12 भुजाओं पर बनना है, 4 भुजाएं डिस्टर्ब हो गई यानी 4 भुजा पर इनवैलिड और 8 भुजा पर वैलिड। MC कितना है 6, यानी 8 × 6 = 48 वैलिड हो गया, और 4 × 6 = 24 जो इनवैलिड कर गया वो ट्रीटमेंट करेगा TCC की तरह, एक सतह कम। अब सोचिए फाइनल जवाब क्या देंगे, फाइनली हम यहां लिख देते हैं, फाइनली आप TMC बराबर क्या लिखेंगे, आप TMC बराबर लिखेंगे वैलिड टीएमसी प्लस इनवैलिड CRC, 4 यानी हो गए 52, सही है। अब यहां पर आपका जवाब आ गया TMC इज इक्वल टू 52। बारी आती है TCC की, याद रखिएगा जो TMC इनवैलिड किया है वो TCC के तरह ट्रीटमेंट भी करेगा। तीसरी बात आ गई हम लोगों के सामने TCC की, TCC बननी है सतहों पर, 6 सतहों पर, जिसमें एक सतह डिस्टर्ब है यानी एक सतह पर इनवैलिड और 5 सतहों पर वैलिड। एक सतह पर बना TCC का क्या फॉर्मूला होता है, एक सतह पर बने TCC का फॉर्मूला MC² होता है, यानी 5 × MC² ये वैलिड हो जाएगा। तो MC² का मतलब क्या, 6 का स्क्वायर 36, 5 × 36 बराबर कितना कि ये 30 0 3 18 180 वैलिड कर गया।
इनवैलिड करेगा एक गुना एम सी स्क्वायर, एक गुना एम सी स्क्वायर मतलब 36 सीधा सीधा, और ये 36 की ट्रीटमेंट कैसे होगी, टी आई सी की तरह होगी। तो यहां आप फाइनली टीसीसी क्या जवाब देंगे, फाइनली टीसीसी का जवाब क्या देंगे, वैलिड टीसीसी यानी 180 प्लस इनवैलिड टीएमसी, इनवैलिड टीएमसी कितने थे 24, और जवाब हो जाएगा 4820101204, जवाब सही है। चलिए 204, इसकी संख्या हो गई 204। अब जवाब देना है टीआईसी का, टीआईसी का फॉर्मूला तो याद ही रखना है, इनवैलिड टीसीसी सिर्फ जुट जाएगा, इनवैलिड टीसीसी कितना आया है आपको 36, तो टीआईसी फाइनल टीआईसी का फॉर्मूला हो जाएगा एमसी क्यू प्लस इनवैलिड टीसीसी। एमसी क्यूब का मतलब 6 का क्यूब कितना 216 प्लस कितना इनवैलिड कर गया था आपका 36, इनवैलिड टीसीसी 36 जोड़िए कितना जवाब होगा 6 6 12 252, 252 सही है, सही है। तो आपके पास जवाब आ गया 252, क्या जोड़ने से आपका 512 आता है, 12 के 2 बाकी 1 512, यानी ये कैलकुलेशन हम लोगों का सही था। अब जवाब देना शुरू करेंगे, हम लोग जवाब देना शुरू करेंगे, तो 86 4, टीएमसी कितना आ गया था 52, टीसीसी कितना आ गया था 204, और टीआईसी कितना आ गया था 252। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न, कुल घनों की संख्या कितनी है, जवाब 512, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 512। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, ऐसे कितने घन जिसकी केवल 3 सतह रंगी 4 दिखे, नहीं एक सतह सादी है, तो ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल 2 सतह रंगी, केवल 2 सतह रंगी टीएमसी 52 जो ऑप्शन बी में मौजूद है। चलिए अब बारी आ जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की, ऐसे कितने घन जिसकी केवल एक सतह रंगी टीसीसी, फाइनल टीसीसी, फाइनल टीसीसी की संख्या 204, ऑप्शन नंबर चेक करेंगे 204 ऑप्शन नंबर डी। फिर पांचवा प्रश्न है, ऐसे कितने घन जिसकी एक भी सतह रंगी नहीं टीआईसी के बारे पूछा है, आपका जवाब 252 है, ऑप्शन नंबर, ऐसे कितने घन जिसकी एक भी सतह रंगी नहीं 252 ऑप्शन नंबर सी। ये सारे प्रश्न आपके पीडीएफ में, टेलीग्राम पीडीएफ में मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे कितने घन जिसकी कम से कम 2 सतह रंगी, याद कीजिए कम से कम 2 सतह रंगी मतलब टीएमसी प्लस सीआरसी, कम से कम 2 सतह रंगी, इसकी तो 2 सतह रंगीन है, इसकी तो कम से कम 2 सतह रंगीन होगी ही, तो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर था 6, आप 6 में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए 52 जोड़ 4 = 56 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब ऑप्शन नंबर ए 56। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कितने घन जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन, और जब एक सतह रंगीन की बात होगी तो क्या होगी, एक सतह वाला भी जुटेगा, 2 सतह वाला भी जुटेगा, और 3 सतह वाला भी जुटेगा, यानी 204 + 52 = 256 + 4 = 260, यानी ऑप्शन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी 260। ठीक है, आइए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है ही नहीं, ये था आखिरी प्रश्न। चलिए ठीक है, इस पर भरपूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगले टॉपिक में ना 2 सतहों को हम लोग सादा छोड़ेंगे, 2 सतहों को अगर सादा छोड़ दिया जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कैसे फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ये थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है, लेकिन जैसे ही इसके बाद एक और टाइप संभाल लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को भी बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।